अच्छा अभी जो हम ना अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स कर रहे हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड दे आर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। अभी हम जो ने जो पीछे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स किए थे, तो ये जो है दीज आर बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरिसाइडल जो होते हैं वो ये उनका ये होता है कि उनका पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है, ठीक है। अब हमने जो पिछले वाले प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर किए हैं उनमें सिर्फ ऑक्सोजोगिडिनोन्स हैं जो बैक्टीरिसाइडल होते हैं, बाकी सारे जो हैं बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। तो बैक्टीरिसाइडल उनका पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ये है कि ये दे रिक्वायर ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एनएरोब्स के ऊपर बिंकोंग इनका इफेक्ट नहीं होता बिकॉज एनएरोब यूज ही नहीं करते ऑक्सीजन को। तो ये एनएरोब इससे रेजिस्टेंट होते हैं, जिस तरह हमने क्विंडामाइसिन में पढ़ा था, क्विंडामाइसिन में कि दे आर जो एरोब्स हैं दे आर इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट टू क्विंडामाइसिन, तो वो जो है वो एरोब्स पे एक्ट नहीं कर रही थी। इसी तरह ये जो है ये एनएरोब्स पे एक्ट नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर होती है इनके एक्शन के लिए, तो ये एनएरोब्स रेजिस्टेंट होते हैं इससे। अब जो है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का सैंगवोंग सिंथेसिस इनहिबिटर के साथ बहुत अच्छा साइनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है, और जो है इसमें का मैकेनिज्म है ना ये है कि ये 30S से बाइंड करता है एंड इंटरफेयर विद प्रोटीन सिंथेसिस इन 4 वेज, जिसमें से 3 मेजर हैं। अब हमने कहा कि ट्रांसलेशन जो होती है उसमें जो है ट्रांसमेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि हमारे पास इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता था, फिर रीडिंग होती थी mRNA की, फिर जो है पेप्टिडेशन होती थी एंड देन ट्रांसमोकेशन देन एग्जिट। तो अब ये जो है इस प्रोसेस में क्या होगा कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है उसको ब्लॉक कर दिया, फिर आगे रीडिंग जो होती थी उसकी मिस रीडिंग करा दी ऑफ mRNA, उसके बाद जो है पेप्टिडेशन को कुछ नहीं कहा, उसके बाद जो है ट्रांसमोकेशन है उसको इनहिबिट कर दिया। तो ये 3 मेजर वेज हैं, एक तो है कि ब्लॉक ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, उसके बाद जो है कि मिस रीडिंग ऑफ mRNA, और उसके बाद है इनहिबिशन ऑफ ट्रांसमोकेशन। और जो फोर्थ है ना वो है कि डिस्टर्ब द पोंगिजोमंग स्ट्रक्चर, जिस पोंगिजोमंग स्ट्रक्चर को होता है मल्टीपंग राइबोसोम्स जो है एक mRNA पे मैसेंजर आगे पे आके अटैच होते हैं, तो वो पोंगिजोम्स होते हैं, तो वो उस पोंगिजोमंग स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करके नॉन फंक्शनल मोनोसोम्स बना देता है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है अमाइनो ग्लाइकोसाइड का। आगे जो है इसकी रेजिस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस कैसे होती है, प्लाज्मिड मेडिएटेड रेजिस्टेंस है और बाय दी सम एंजाइम्स इनएक्टिवेटिंग एंजाइम, उसमें कौन है ग्रुप ट्रांसफिगेसिस। ग्रुप ट्रांसफिगेसिस में अब इनके फंक्शंस क्या है ग्रुप ट्रांसफिगेसिस के, एक तो इनका फंक्शन है कि एसिटाइनेशन ऑफ अमाइन ग्रुप करते हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड में जो है अमाइन ग्रुप है उसकी एसिटाइनेशन करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा फंक्शन है वो है कि ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोराइन और एडेनाइन ग्रुप टू द और हाइड्रोक्सन जो है ना अमाइनो ग्लाइकोसाइड है ना अमाइनो ग्लाइकोसाइड है उसके साथ जो है यहाँ पे हाइड्रोक्सन ग्रुप है, तो यहाँ पे आके ये फॉस्फोराइन या फिर एडेनाइन ग्रुप को जाके अटैच कर देता है इस ऑक्सीजन के साथ। तो जो इसका दूसरा फंक्शन है वो ये है। अब जो है ट्रांसफिगेसिस प्रोड्यूस बाय एंटेगोकोकाई, ये एक अंगक से बात है, वो इनएक्टिवेट द जेंटा एमिकेसिन एंड द टोब्रामाइसिन, जेंटामाइसिन एमिकेसिन एंड टोब्रामाइसिन। अच्छा अब जो एक्टिविटी है ना उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जेंटा टोब्रा एमिकेसिन, ये 3 एक साथ कर लेते हैं, जेंटा टोब्रा एमिकेसिन, जेंटा टोब्रा एमिकेसिन, ठीक है। अब जेंटामाइसिन टोब्रामाइसिन एमिकेसिन जो है